हेलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. मेरे ट्रांसफॉर्मेशन व्लॉग को जो आपका प्यार मिला है, बहुत सारे व्यूज़ मिले हैं, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, लोगों ने मेरे डाइट प्लान फॉलो करने शुरू कर दिए हैं, लोगों के वेट लॉस भी हो रहे हैं. सो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ. एंड मेरी जर्नी से किसी को इंस्पिरेशन मिल रही है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. सो ऐसे ही आप लोगों को मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ. आप लोग मुझे कमेंट में बताते रहिए कि आपको क्या क्वेरी है, और आप मेरे मेल अकाउंट में भी आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं. मैं अपना मेल अकाउंट नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ. सो थैंक यू सो मच. और इसी तरह से आप लोग मुझे बताते रहना कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं बनाने के लिए रेडी रहूँगी. सो वीडियो आज का हमारा शुरू करने से पहले, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए. सो गाइज, आज का हमारा वीडियो है रीजंस फॉर वेट गेन. हाँ, जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, जो लोग डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, या तो जो लोग सिर्फ वेट को मेंटेन करना चाहते हैं, उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से रीजंस है जिससे वेट गेन हो सकता है. सो बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर है. पर्सन टू पर्सन ये चीज़ डिफरेंट करती है कि किस पर्सन को किस वजह से वेट गेन हो रहा है. तो आपको पहले ये अपना रीज़न जानना पड़ेगा कि आपको किस वजह से वेट गेन हो रहा है. जो लोग ओवर वेट है, उन लोगों के लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से रीज़न से आपका वेट गेन हो रहा है, ताकि आप वो रीज़न को पकड़ के आप वो चीज़ कंट्रोल कर सको. तो आइए जानते हैं कि मेन रीज़न्स क्या है फॉर वेट गेन. सो फर्स्ट रीज़न है जंक फूड. यस, जंक फूड आपको ओवर वेट बनाता है और वेट गेन करता है. ये सबसे मेन रीज़न है. जो आज का हमारा टाइम है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग भाग दौड़ रहे हैं, बहुत लोगों के पास टाइम कम है, तो लोग ज़्यादा क्या प्रेफर करते हैं, जो इजीली अवेलेबल हो वो चीज़ प्रेफर करते हैं. और आज के ज़माने में जंक फूड बहुत ही ज़्यादा उसका मार्केटिंग हो रहा है. कंपनीज़ अपना जंक फूड बेचने के लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र्स दे रही हैं, और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो कि जंक फूड बहुत अच्छे से प्रोवाइड करते हैं. आपको एक जंक फूड की क्रेविंग होती है कि मुझे ये चीज़ खानी है. जैसे कि मुझे पिज्ज़ा खाना है, बहुत क्रेविंग हो रही है, नहीं पिज्ज़ा चाहिए ही चाहिए. थोड़े टाइम के बाद आपको आइसक्रीम खाना है, ये खाना है, वो खाना है. तो जंक फूड की आपको एक क्रेविंग होती है, आपको वो हैबिचुअल बना देता है कि जंक फूड आपको चाहिए ही चाहिए. ए वीक में एक बार लोग पसंद करते हैं बाहर जाके खाना. सैटरडे संडे है तो लोग बाहर जाके खाते हैं, जिससे क्या होता है कि अननेसेसरी वेट गेन होता है. सो जंक फूड इज़ द मेन रीज़न. और सबसे ज़्यादा जंक फूड की आपको अवेलेबिलिटी रहती है. जब भी आप बाहर जाते हो तो आपको क्या मिलता है, चिप्स मिल जाते हैं इजीली अवेलेबल, लेकिन आपको स्प्राउट्स नहीं मिलते. तो हेल्दी फूड्स नहीं मिलता, जबकि अनहेल्दी फूड आपको बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल होता है, तो आप वो प्रेफर कर लेते हो. और चीप भी होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है जंक फूड, तो आप वही प्रेफर करते हो, जिससे क्या होता है कि वेट गेन होता है. नेक्स्ट जो सबसे बड़ा रीज़न है वो शुगर. आजकल हर फूड में एडिड शुगर अवेलेबल रहती है, हर फूड में आपको शुगर ज़्यादा मिलती है. सो इससे क्या होता है, आपके बॉडी को शुगर की क्रेविंग भी ज़्यादा होती है, और शुगर ज़्यादातर वेट गेन करने में बहुत बड़ा फैक्टर रहता है. शुगर, शुगर इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू इंसुलिन लेवल्स. इंसुलिन ये एक हार्मोन है हमारी बॉडी का, जो कि फैट सेल्स को रेगुलेट करता है. कब फैट स्टोर करनी है, कब फैट स्टोर नहीं करनी, ये सब इंसुलिन ही डिसाइड करता है. सो इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड हायर इंसुलिन लेवल्स, ये दोनों मिलके वेट गेन को बढ़ाते हैं. तो जिनको इंसुलिन की प्रॉब्लम है, उनको वेट गेन हो रहा है, वो इंसुलिन की वजह से हो रहा है. और जो लोग ज़्यादातर शुगर वाली चीज़ें खाते हैं, आइसक्रीम, केक्स, और नॉर्मल शुगर भी आपको नॉर्मल चीज़ों में मिल जाती है, बाहर के जो जंक फूड है जिसके अंदर ज़्यादातर प्रोसेस्ड किए हुए फूड है, उनके अंदर भी शुगर अवेलेबल रहती है. तो ये सब चीज़ों से आपका वेट गेन होता है. सो नेक्स्ट रीज़न है मेडिकेशंस. हम बहुत सारे लोग आजकल आप देख रहे हैं कि लोग थायराइड की दवाई ले रहे हैं, या तो नॉर्मल बीपी की दवाई ले रहे हैं. तो आज का हमारा जो रूटीन है, उसके अंदर मेडिसिन वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन गया है.
कोई ना कोई पर्सन कोई ना कोई मेडिसिन लेता ही है। सो मेडिसिन और मेडिकेशन ये सबसे बड़ा रीज़न है। कभी कभी कोई कोई मेडिसिन आपका वेट गेन करती है, एसिडिटी बढ़ाती है, या तो आपका शुगर लेवल डाउन करती है। बहुत सारी ऐसी मेडिसिंस हैं जो आपको वेट गेन करती है। बहुत सारे मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स से भी आपका वेट गेन होता है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। आप कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हो जिससे आपको वेट गेन हो सकता है, सो ये भी आप चेक कर सकते हैं कि आपकी डाइट में या तो आपके रेगुलर इनटेक में ऐसी कोई मेडिसिन ना हो जिससे वेट गेन हो। अब जो मैं रीज़न बताने जा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा कॉमन रीज़न है, जो कि स्ट्रेस और आपका लो मूड, ये डायरेक्ट कनेक्ट है वेट गेन से। कुछ कुछ लोगों को स्ट्रेस की वजह से वेट लॉस होता है, कुछ कुछ लोगों का वेट गेन भी होता है। सो स्ट्रेस इज़ द मेन रीज़न। आजकल हमारी लाइफ ऐसी हो गई है जबकि काम का प्रेशर रहता है, स्टडी का प्रेशर रहता है, बहुत सारे पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं रिगार्डिंग स्टडी, एंड उसकी वजह से भी आपको ज़्यादा खाने का मन करता है। आप डिप्रेशन में रहते हो तो भी आप ज़्यादा खा लेते हो, जिससे वेट गेन होता है और वापस आप वो वेट गेन की वजह से वापस ज़्यादा खाते हो। तो डिप्रेशन की वजह से भी आपका वेट गेन होता है, स्ट्रेस की वजह से भी वेट गेन होता है। सो आपको स्ट्रेस लेवल कम रखना चाहिए, नॉर्मल रखना चाहिए, ताकि आपका वेट गेन ना हो। अब जो रीज़न है वेट गेन का, वो है फ्लूइड रिटेंशन। आपके बॉडी में पानी ज़्यादा भर जाता है, या तो आपके बॉडी के पार्ट्स स्वोलन हो जाते हैं, सूज जाते हैं, जिसकी वजह से आपका वेट गेन होता है। ज़्यादातर ये कॉमन होता है लेडीज़ में, जब वो लोग प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड में होते हैं, जब आपका पीरियड्स ड्यू होता है तब आपके बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन ज़्यादा हो जाता है। या तो आप ज़्यादातर ज़्यादा टाइम के लिए आप खड़े होते हो, या तो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो भी आपके बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है। ये एक बहुत कॉमन कॉज है वेट गेन का, और ये बहुत सीरियस नहीं है। ज़्यादातर ये फटाफट रिड्यूस भी हो जाता है जब आपका फ्लूइड रिटेंशन कम होता है, आपका वेट भी नॉर्मल हो जाता है, लेकिन ये भी एक वेट गेन का रीज़न है। सो नेक्स्ट सबसे बड़ा रीज़न है, और जो मेरे साथ भी हुआ था, वो है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसको कहते हैं PCOS या तो PCOD। ये एक हार्मोनल कंडीशन है जिसे ज़्यादातर लेडीज़ में या तो गर्ल्स में इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स में ज़्यादा पेन होता है, या तो अननेचुरल हेयर ग्रोथ होता है, आपके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इम्बेलेंस हो जाते हैं जिससे प्रेगनेंसी नहीं रहती। ये सब बहुत सारे रीजंस एंड बहुत सारे कंडीशंस होते हैं इन PCOS। सो PCOS मेन चीज़ ये है कि वो ओवरी को फंक्शन करता है और उसका डिसऑर्डर होता है जिसको कहते हैं PCOS। ओवरी आपकी अच्छे से काम नहीं करती, सो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बेलेंस होता है, और ये डायरेक्ट कनेक्ट होता है वेट गेन के साथ। वेट गेन होता है PCOS होता है, PCOS होता है वेट गेन होता है। आपका वेट लॉस भी नहीं होता अगर आपको PCOS है। बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होती है वेट लॉस करने में, और अगर आपको वेट गेन है तो PCOS अपने आप बढ़ता जाएगा। सो ये दोनों अंदर इंटरकनेक्ट है। सो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि आपका वेट गेन कर सकता है। तो जिसको भी पता ना हो, जो भी गर्ल्स ऐसी हैं जिनके पीरियड्स इरेगुलर होते हो, जिसके हार्मोन्स इम्बेलेंस रहते हो और उसका वेट गेन हो रहा है, तो ये एक रीज़न हो सकता है कि आपको PCOS हो। सो आप डॉक्टर के पास जाके आप प्लीज़ चेक करवा लीजिए कि आपको PCOS है या नहीं। उसके नेचुरल वेज भी है क्योर करने के। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको मेडिसिन ही लेनी है उसके लिए। मैंने विदाउट मेडिसिन नेचुरल क्योर ही किया है, लेकिन ये एक सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है। तो आपको अपने हार्मोन्स बैलेंस्ड रखने हैं अगर आपको वेट गेन ना करना हो तो। सो नेक्स्ट जो रीज़न है वो है अंडर एक्टिव थायरॉयड, जिसको कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। थायरॉयड एक ऐसी ग्लैंड है हमारे बॉडी में, एक ऐसा हार्मोन है जिससे आपका मेटाबॉलिज्म रेगुलेट होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म किसको कहते हैं? अगर आपका बॉडी इनफ थायरॉयड हार्मोन नहीं प्रोड्यूस करता तो इसको कहते हैं अंडर एक्टिव थायरॉयड या तो हाइपोथायरॉयडिज्म। जिससे क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है और आपका फूड डाइजेस्ट नहीं होता प्रॉपरली, जिससे वेट गेन होता है। ये किसी भी एज में या तो किसी भी मेल या फीमेल किसी को भी हो सकता है, बट ये ज़्यादातर कॉमन है फीमेल में, जो कि ये कंडीशन रहती है।
इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, PCOS के ऊपर भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये सबसे मेन दो रीज़न ये होते हैं ज़्यादातर, PCOS एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। सो अभी आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका थायराइड हार्मोन प्रॉपर वर्क करता है या नहीं, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न हो सकता है वेट गेन का। नेक्स्ट रीज़न है एजिंग। एजिंग का मतलब है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कुछ कुछ लोगों का वेट गेन होता है। क्यों होता है? उसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपकी उम्र बढ़ती है, आपके बॉडी के अंदर जो मसल रहते हैं वो लॉस होने लगते हैं, मसल लॉस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप जितना खाना खा रहे हो उतना आप खाना खा रहे हो लेकिन आपके मसल लॉस हो रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल है वो ज़्यादातर इनएक्टिव हो जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो लोगों को फिज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है, लोग इनएक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कैलोरीज बर्न नहीं होती जिसकी वजह से वेट गेन होता है। तो ये एक कॉमन रीज़न है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपका वेट गेन थोड़ा थोड़ा होता जाएगा। इसको एलिमिनेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप एक्टिव रह सकते हैं, पोर्शन कंट्रोल कीजिए, आपका जिस तरीके से आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है उस तरीके से क्या आप अपना डाइट रखिए, तो आपका वेट गेन नहीं होगा। सो नेक्स्ट रीज़न है फॉर वेट गेन इज़ टायर्डनेस। आप ज़्यादातर थक जाते हो या तो आपकी नींद पूरी नहीं होती है, तो आपका बॉडी ज़्यादातर उस स्टेट में रहता है जिसमें उसको भूख ज़्यादा लगती है। सो उसकी वजह से आपको कम रिक्वायरमेंट रहती है फिर भी आप ज़्यादा खा लेते हो। सो सबसे बड़ा फैक्टर है कि आप अच्छे से अपनी नींद लीजिए, अपनी नींद कंप्लीट कीजिए, स्लीप अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए एंड मिनिमम 7 to 8 hours की आपकी नींद होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका वेट गेन होगा। सो टायर्डनेस को कम रखिए जिससे आपको अननेसेसरी क्रेविंग्स ना हो। नेक्स्ट रीज़न है पोर्शन साइजेस। पोर्शन साइजेस इसीलिए आपको ये लगेगा कि ये क्या है, लेकिन आप जब घर पे खाना खाते हो या तो रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाते हो, अगर आपकी प्लेट में आपकी भूख से ज़्यादा फूड है तो आपको वो कंप्लीट करना ही है। हमारी एक गुड मैनर्स आती है कि नहीं, प्लेट में आपको खाना नहीं रखना है, आपको जितना खाना रखा है आपको कंप्लीट करना ही है। आप चाहे किसी के घर पे जाते हो खाना खाने, आपकी प्लेट में जितना होता है उसको आपको खाना ही पड़ता है, चाहे आपको भूख हो या ना हो। सो इट लीड्स टू ओवर ईटिंग, ओवर ईट हो जाता है और आपको वो इवन एक्चुअली वेट गेन करता है। तो आप पोर्शन कंट्रोल कीजिए, जितनी आपको भूख है उतना ही आप अपनी प्लेट में लीजिए, छोटी प्लेट रखिए, छोटी साइजेस रखिए, जिससे क्या होगा कि आपको जितनी भूख है उतना ही आप खाओगे। सो ये भी एक मेन रीज़न हो सकता है फॉर वेट गेन। सो आज के वीडियो में मैंने ये रीज़न्स डिस्कस किए हैं, मेन रीज़न्स हैं जिससे वेट गेन होता है। तो आप अपना रीज़न देख लीजिए कि आपका वेट गेन किस चीज़ से हो रहा है। अगर आपके साथ इनमें से कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ हो रही है तो आप उसको कंट्रोल कीजिए, या तो उसके नेचुरल वेज ढूंढिए कि जिससे आप वो एलिमिनेट कर सकते हो और आपका वेट गेन रोक सकते हो। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरा वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए, एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।